चलिए आज अयोध्या जी आए हुए हैं, कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा प्राप्त की जाए, कुछ थकान दूर की जाए और कुछ ज्ञान भी प्राप्त किया जाए कलयुग में, और संत जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाए। तो चलिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं आज। क्या शुभ नाम है भैया जी आपका? आ? क्या शुभ नाम है? पंतराज यादव। अच्छा यादव जी साहब, क्या आप रोज आते हैं? बराबर दर्शन करने आते हैं। हम लोग ग्वाल बंश है ना, पूजा शुरू से भक्ति लाइन में, हमारा पूरा परिवार ही भक्ति। अच्छा, अरे वाह साहब, वाह बहुत अच्छा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, ये बताइए कि कलयुग में कैसे संकट पार हो? समुद्र का कोई था नहीं है, आदर ज्ञान का कोई नहीं था है। अच्छा, क्या करे आदमी? राम राम भजो तो नैया पार हो जाएगी। राम राम भजे तो नैया पार हो जाएगी। नैया कैसे लागी पार? वाह सब वाह। हमारा जी कलयुग का कोई मंत्र बता दीजिए। नाम आधारात मेरे मेरे नर उतर पार, सीताराम 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 सीताराम। ये तो आपने अमोघ मंत्र दे दिया। सीताराम 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 कहिए, जय बिदरा के प्रभु सहिए रहिए। वाह सब, अभिमान तो मान कहाँ पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाए। वाह, विधि का विधान ज्ञान मान लाभ सहिए, राम के भजनिया में मन को लगा, राम 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 से वहात में तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ, जिंदगी की बाग डोर हाथ बिना नाथ के, महलों में रखे चाहे जो पड़े के बात, राम सीताराम सीताराम कहिए, राम के भजनिया में मन को लगाइए। चलिए नवरात्रि चल रहे हैं, आप पूज्य माता जी के भी दर्शन कर लीजिए और आनंद उठाइए। वास्तव में देखिए आप, ये अद्भुत दर्शन है, और जब भी आपको समय मिले अवश्य यहाँ दर्शन करें और ऊर्जा प्राप्त करें, अध्यात्म की ऊर्जा जो जिसमें एक चेतना होती है, एक जागृति होती है। Oh, 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 oh